नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और इनका करीब एज अभी 25 इयर्स ओल्ड है और ये स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्टमेंट करके करीब 30 के एज तक रिटायरमेंट चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और हर साल इनका टारगेट है कि 10 लाख रुपीज़ ये इन्वेस्ट कर दें इक्विटीज़ में। तो क्या ये पॉसिबल है? तो कौन से स्टॉक में इनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कौन से नए स्टॉक इनको ऐड करना चाहिए, पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इनका पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 5,87,000 के करीब का है और करंट वैल्यू करीब 5,64,000 के करीब चल रहा है, तो करीब 4% के करीब अभी लॉस में चल रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो रहा था, इसके कारण से इनका पोर्टफोलियो भी थोड़ा निगेटिव चल रहा है। तो पहला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों एशियन पेंट में, देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी एशियन पेंट्स, और करीब एवरेज प्राइस 2956 पे 11 क्वांटिटी बाई किया है और 32,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको बने रहना है। अभी फिलहाल लॉस में चल रहा है क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में लगातार गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइसेस हाई होने के कारण थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, तो इसमें बने रहना है, क्वालिटी स्टॉक है और जब हम चैनल पर अपडेट करेंगे तो और भी अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों एस्ट्रल पाइप में, करीब 33 क्वांटिटी बाई किया है 2083 के प्राइस पे और करीब 68,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो करीब इनका 11% के करीब अभी एस्ट्रल में लॉस भी चल रहा है, तो ये भी क्वालिटी पाइप बनाने वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है, तो इसमें भी आप बने रहें। सौरभ मुखर्जी जी का भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसमें आपको बने रहना है। और अगला इन्वेस्टमेंट इनका है बजाज फाइनेंस में, 3 क्वांटिटीज इन्होंने बाई किया है 6788 के प्राइस पे और करीब 20,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 3.69% का भी लॉस चल रहा है, तो क्वालिटी NBFC है बजाज फाइनेंस, एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, बहुतों को पैसा बना करके दिया है, तो बजाज फाइनेंस में आपको बने रहना है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कंपनी ने पिछले 10 ईयर्स में शो किया है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों बर्जर पेंट में, करीब 71 क्वांटिटीज 717 के प्राइस पे और 50,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें भी आपको बने रहना है। सौरभ मुखर्जी जी का कॉफी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों, और सेकेंड नंबर पे मार्केट शेयर में है आफ्टर एशियन पेंट्स इंडिया में पेंट सेगमेंट में, तो बर्जर पेंट एक क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके पास्ट में दिया है और आगे भी उम्मीद है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों ब्रिटानिया में, करीब 8 क्वांटिटीज बाई किया है 3518 के एवरेज प्राइस पे और 28,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मार्केट लीडर कंपनी ब्रिटानिया है और FMCG सेक्टर में अभी लगातार गिरावट का दौर बना हुआ था, इस कारण से हम लोग को लॉस में भी बहुत सारा FMCG स्टॉक चलते हुए दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है और इसमें आपको बने रहना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी करना है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है हैप्पीएस्ट माइंड में, करीब 1 क्वांटिटी बाई किया है 1072 के एवरेज प्राइस पे, तो और भी क्वांटिटी इसमें आप ऐड करें जब मौका मिले चार्ट पे, तब इसमें और भी ऐड करना है, बहुत ही ग्रोथ वाला स्टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही अच्छा काम करने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड। और अगला स्टॉक इन्होंने बाय किया है HDFC बैंक में, करीब 51 क्वांटिटीज बाय किया है 1455 के एवरेज प्राइस पे, तो देश का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक, तो इसमें भी आपको बने रहना है, 74,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो और भी ऐड करना है, लेकिन आप 10% से ज़्यादा इसमें बहुत ही ऐड कर चुके हैं, तो अब इसमें कोई एडिशन नहीं करें और HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। थोड़ा अंडर प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट हुआ और फिर रशिया यूक्रेन में जो वार था उसके बाद से मार्केट में फॉल देखने के कारण बहुत ही क्वालिटी स्टॉक हम लोग को पिटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में हम लोग को बने रहना है और समय समय पर ऐड भी करना है। HDFC लाइफ में इन्होंने 30 क्वांटिटीज बाई किया है 523 के एवरेज प्राइस पे, 15,700 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी इंश्योरेंस स्टॉक है और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है इंश्योरेंस सेगमेंट में, तो इसमें भी आपको बने रहना है और समय समय पे और भी ऐड करना है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है देश में और कोविड के बाद से टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जैसे जैसे LIC का मार्केट शेयर कमेगा प्राइवेट प्लेयर्स और भी ग्रो करने वाले हैं। और अगला इन्होंने बाई किया है इन्फोसिस में, करीब 30 क्वांटिटी 1708 के प्राइस पे और 51,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इन्फोसिस में बने रहना है। इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो इसमें भी आपको बने रहना है और समय समय पे ऐड करना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों जूनियर बीज में, करीब 31 क्वांटिटीज 422 के एवरेज प्राइस पे और 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, और जूनियर बीज ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसके रिटर्न को ट्रैक करता है, तो जूनियर बीज ETF भी क्वालिटी ETF है, जैसे निफ्टी बीज ETF होता है निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, उसी तरह जूनियर बीज ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जो टॉप के 50 कंपनीज के बाद वाले 50 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उसको ट्रैक करता है। इसमें DMart, आपको नौकरी.com, सभी क्वालिटी स्टॉक
जूनियर 20 में मिल जाते हैं। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है मॉन 100, एक और ETF है। और मॉन 100 में करीब इनका 21 क्वांटिटीज इन्होंने बाई किया है 109 के एवरेज प्राइस पे और मात्र 2297 का इन्वेस्टमेंट है। मॉन 100 नेस्टेक 100 US ETF में पैसा लगाता है, गूगल फेसबुक अमेजोन इस सब में आपका पैसा लग जाता है, तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है और भी क्वांटिटी ऐड करना है और करीब अपने पोर्टफोलियो का 5% तक ही वेटेज मॉन 100 में आपको देना है। नेक्स्ट इन्होंने बाय किया है करीब मुथूत फाइनेंस को 20 क्वांटिटीज 1324 के एवरेज प्राइस पे 26,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो मुथूत फाइनेंस एक देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन प्रोवाइडर कंपनी है, तो इसमें और भी आपको ऐड करना है समय समय पे। थोड़ा बहुत नियर टर्म में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था, मुथूत और मनापुरम का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया था, सबड्यूड रहा है, लेकिन तभी भी इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और अच्छा वेल्थ बना करके भी देगा। तो मुथूत फाइनेंस में आपको बने रहना है और समय समय पे और भी ऐड करना है। और अगला इन्होंने बाय किया है निफ्टी 20 ETF, करीब 161 क्वांटिटीज बाय किया है 181 के एवरेज प्राइस पे और 47,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो निफ्टी 20 ETF मेरा भी फेवरेट ETF है और इसमें आपको और भी इन्वेस्टमेंट करना है समय समय पे और अपने ETF के पोर्टफोलियो को करीब 20% से लेकर के 30% तक टोटल पोर्टफोलियो वेटेज तक ले जाना है। केवल निफ्टी 20 में नहीं, जूनियर 20 ETF, मॉन 100 और भी हम ETFs अपने चैनल पे बात करते हैं, टोटल वेटेज आपको 20-30% ETF में ही देना है, तब आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से उतना डर नहीं लगेगा। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। पिडिलाइट में करीब 10 क्वांटिटीज बाई किया है 2288 के प्राइस पे और 22,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो पिडिलाइट फेविकॉल बनाने वाली कंपनी जो कि बहुत ही क्वालिटी हम लोग को रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया है। सौरभ मुखर्जी के कॉफी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और समय समय पर ऐड करते रहें। और अगला इन्होंने बाई किया है रिलायंस को करीब 6 क्वांटिटी 2362 के एवरेज प्राइस पे 14,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, तो इसमें आपको और भी ऐड करना है समय समय पे। रिलायंस देश को चलाता है, हर सेगमेंट में रिलायंस वर्क करता है। और अगला इन्होंने बाई किया है दोस्तों 15 क्वांटिटी TCS में करीब 3442 के एवरेज प्राइस पे और 51,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS है, अभी बायबैक भी अनाउंस किया है, तो 23 फरवरी से अगर पहले का आपका बाइंग है तो आप उसको बायबैक में दे सकते हैं। तो TCS में भी आपको बने रहना है लॉन्ग टर्म तक और अच्छा वेल्थ बना करके देगा, पास्ट में भी अच्छा रिटर्न निकाल कर TCS ने दिया है, तो TCS में आपको बने रहना है। अगला इन्होंने बाई किया है 98 क्वांटिटी विप्रो में करीब 590 के एवरेज प्राइस पे 57,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो विप्रो भी देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो इसमें भी आपको बने रहना है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ IT कंपनीज में हम लोग को देखने को पास्ट में भी मिला है और फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो IT स्टॉक में आपका करीब 10-15% वेटेज अपने पोर्टफोलियो का जरूर होना ही चाहिए। और अगर हम लोग कुछ इनके पोर्टफोलियो का प्रोज की बात करें दोस्तों, तो पहला इन्होंने बहुत ही कम एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, मात्र 25 इयर्स के एज से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड, इन्होंने मोस्टली फंडामेंटली साउंड स्टॉक या हम लोग कह सकते हैं टोटली फंडामेंटली साउंड स्टॉक और ETF में ही इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। न्यू इन्वेस्टर के लिए पहला ही दौर में बढ़िया स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका पहला जर्नी पेनी स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक खोजने में ही निकल जाता है 1-2 साल 3 साल, और उसके बाद थोड़ा लॉस होने के बाद वो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स पे आते हैं, तब तक बहुत ही देर हो जाता है। लेकिन इन्होंने फंडामेंटली साउंड स्टॉक से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इनके पोर्टफोलियो का हम लोग दोस्तों कुछ कॉन्स की बात करें, तो पहले तो इनको टाइम होरिजन अपने इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना चाहिए। ऐसे तो इन्होंने यंग एज में स्टार्ट किया है, 25 इयर्स के एज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, लेकिन इनका मात्र 5 इयर्स का ही प्लान है कि 5 इयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करें 5 इयर्स तक, लेकिन आपका मिनिमम टाइम होरिजन जो होना चाहिए, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने बात किया है अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, वो 10 इयर्स होता है, क्योंकि शेयर मार्केट वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग पे। कंपाउंडिंग वर्क करता है दोस्तों जब टाइम होरिजन हमारा ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को 10 इयर्स या उससे अबव का टाइम होरिजन लेकर के चलना चाहिए। और नेक्स्ट कॉन्स हम लोग को लगा कि आप किसी भी प्राइस पे स्टॉक्स को बाई मत करें। ये बहुत सारे हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू में देख रहे हैं कि किसी भी प्राइस पे आप लोग बाई करके बैठे रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा वेल्थ बनेगा, लेकिन हम लोग को अगर टाइम होरिजन को घटाना है, रिटर्न को ज़्यादा इन्हेंस करना है, कंपाउंडिंग फास्ट करना है, तो हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालना चाहिए। तो किसी भी एवरेज प्राइस पे आप लोग बाई ना करें।
और इन्होंने कुछ एमसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एमसी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है इंडिया में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, जैसे CDSL हो गया आपका, कैम्स हो गया, HDFC AMC हो गया, ये सब में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग देखें 6 करोड़ डीमेट अकाउंट CDSL ने खोला है, और लास्ट 3 मंथ्स में ही करीब 2 करोड़ डीमेट अकाउंट CDSL ने खोल चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एमसी सेक्टर में है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को अभी फ़ायदा उठाना चाहिए उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके। और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा था, और फार्मा स्टॉक्स में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे डिवीज लैब हो गया, लॉरस लैब हो गया, सन फार्मा, ये सब में किसी एक दो फार्मा स्टॉक क्वालिटी का उठा करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।